हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो तब की है जब हम मेरे मायके आए थे दिवाली मनाने। और बस अब वो वक्त आ गया है जहाँ से हमें निकलना है, जाना है अपने घर। आज हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अब आए हैं हम, मैं, दीदी, जीजाजी और मेरे हस्बैंड। यहाँ पर हमने अपने बच्चों की शॉपिंग कर ली है और यहाँ पर हम बिल के लिए खड़े हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरे शॉप में, जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ मटेरियल देखूँगी, ड्रेस मटेरियल। और वहाँ पर मुझे अगर कुछ पसंद आता है तो मैं ले लूँगी। तो बस हम यहाँ पर आए हैं अब ड्रेस मटेरियल लेने के लिए, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने जल्दी जल्दी में जो पसंद आ गया वो ले लिया। अब ये है नेक्स्ट डे की वीडियो जहाँ पर हम आए हैं। ये मॉर्निंग की वीडियो है जहाँ पर हम सुपर मार्केट आए हैं। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके में राइस बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो बस हम यहाँ पर राइस लेने के लिए आए थे, और मैंने बस थोड़ा बहुत सामान ले लिया जो मुझे जिस बेसिक चीज़ों की नीड थी। और हमारे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमें शाम तक के यहाँ से निकलना है, मेरे घर से, मेरे मायके से हमें आज निकलना है अपने घर जाने के लिए, मतलब अहमदाबाद जाने के लिए। तो हमने जितने जल्दी हो सका उतना सामान ले लिया, और अब हम यहाँ घर आ चुके हैं। यहाँ पर स्वरित और काव्यान की ड्रेस रखी है जो मम्मी ने ली है उनके लिए, छोटा सा गिफ्ट दिवाली का। और यहाँ पर कुर्ती जो रखी है मेरी दीदी और मेरी है मम्मी की तरफ से। हाँ
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं और हमारे जाने का टाइम हो चुका है। वैसे तो हमें दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास निकलना था, पर निकलते निकलते 5 बज गए। और जिस दिन हमें जाना होता है उस दिन तो यूँ टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता है, जैसे कि 2-3 घंटे माइनस हो जाते हैं ऐसा लगता है। यूँ 2 बजते 3 बजते 4 बजते, बस मन ही नहीं करता है जाने का और निकलने का। और जब हम अपनी गाड़ी से आते हैं तो बस ऐसा लगता है कि कौन से हमें टाइम पे पहुंचना है, कहीं स्टेशन पर या बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, तो इसीलिए हम अपने हिसाब से निकलते हैं। पर फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठ जाए, हम 10 मिनट के लिए बात कर ले, बस यही मन करता है। जाने का तो मन करता ही नहीं है। और बच्चे यहाँ पर काफ़ी सैड फील कर रहे थे कि अभी मौसी और बुआ जा रही है तो अब बस पता नहीं कब मुलाकात होगी। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा चॉकलेट्स खाने के लिए पैसे दे दिए हैं और बस अब देख सकते हैं हम अपने रास्ते निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बल्लारपुर टू अहमदाबाद। और आपको तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बताया था आपसे कि मेरे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव नहीं करते हैं, तो जिस ड्राइवर ने हमें अहमदाबाद से महाराष्ट्र हमें छोड़ दिया था, जिसने ड्रॉप किया था, हमने उसी को हायर किया इस वक्त भी महाराष्ट्र से अहमदाबाद जाने के लिए, क्योंकि इतना लॉन्ग ड्राइव करने की मेरे हस्बैंड को भी हैबिट नहीं है ना, और सेफ भी नहीं लगता है इतने लंबा टूर करने के लिए। तो और अगर कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ पर्सन होता है तो किसी बात की चिंता नहीं लगती है। वो ड्राइवर हमारे घर पे आज ही पहुंचा था दोपहर में 3 बजे के टाइम पर, 3 बजे के आसपास। और उसके बाद हम वो घर पे आने के बाद ड्राइवर फ्रेश हुए हैं, खाना खाए हैं और हम 5 बजे उसके बाद हम निकले हैं, क्योंकि वो ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से पता है रिक्वेस्ट भी की थी कि आज के दिन यहाँ रुक जाते हैं, नाइट स्पेंड करने के बाद हम मॉर्निंग में ही निकलते हैं, पर वो मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे अहमदाबाद पहुँचने के बाद उन्हें तुरंत ही कहीं और के लिए जाना था, उनकी बुकिंग हो रखी थी जाने के लिए। और अब यहाँ पर हम जाते जाते शाम हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट रात हो गई है। अब इस वक्त हम नागपुर पहुँचे हैं और हमें अभी भूख लग रही है थोड़ी सी, तो हमने सोचा कि नागपुर आ गए हैं, नागपुर में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं। और उसके बाद जब हम एक बार निकलेंगे तो ड्राइवर का कहना ये था कि वो पूरी नाइट गाड़ी ड्राइव करेंगे, वो कहीं भी नहीं रुकेंगे, तो अभी पहले आप खाना खा लीजिए उसके बाद हम चलते हैं, तो कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, यही सही होगा और उन्हें भी बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा कि बस रुको वेट करो, फिर अच्छा ढाबा भी नहीं मिलता है रात में। तो अभी हम नागपुर पहुंचते हैं तो अभी सबसे पहले कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर ना मूड बहुत ख़राब सा हो रहा था कि इतने दिनों बाद हम अपने मायके गए थे और जाने का टाइम भी आ गया है, वहाँ से रिटर्न मन नहीं करता है जाने का यार। सच में आप सभी को ऐसा ही लगता होगा, आप सभी के साथ ऐसा ही फील होता है क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आप लोग क्या क्या फील करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बस अब यहाँ पर हम आए हैं रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट काफ़ी सुंदर था तो मैंने बस इस रेस्टोरेंट का थोड़ा सा वीडियो बना लिया है, आप देख सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत है, पर सच बताऊंगी मैं, यहाँ पर खाना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। एक तो दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी इस दिन, जिस दिन हमें निकलना था दोनों को ही थोड़ा हल्का हल्का फीवर हो रहा था और कोल्ड भी हो गया था बस, लेकिन उनका तो मन हुआ ही नहीं कुछ खाने का। और हमने जो भी यहाँ पर खाना मंगाया, खाने को टेस्ट था नहीं इतना अच्छा, बस रेस्टोरेंट बार बार से बहुत खूबसूरत सा लग रहा था और रेस्टोरेंट में कोई था भी नहीं इस वक्त, हम ही लोग थे और खाना अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, पेट भर के खाना भी नहीं खाया गया हमसे ठीक से यहाँ पर। तो बस अब हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हम लोग ऑर्डर करें। यहाँ पर हमने साबूदाना खिचड़ी मंगाई और उसके बाद हमने कुछ आलू के पराठे वगैरह मंगाए थे, पर सच में खाने में मज़ा नहीं आया, पेट भर के खाना भी खाया नहीं गया। एक तो मूड वैसे ही थोड़ा सा डाउन हो गया था कि निकल गए हैं बस, इतने दिनों की इंजॉयमेंट और सबके साथ मुलाकात, इतने अच्छे दिन बीते हैं हमारे और जाने के दिन इतने जल्दी जल्दी आ गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना, मूड बहुत ख़राब हो रहा था, तो खाने में भी इतना मन नहीं लग रहा था। बस हम यहाँ से अब निकलते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि दिवाली तो कब की ख़त्म हो चुकी है और मैं अभी तक दिवाली की वीडियो डाल रही हूँ,
तो मैं आपको बता दूं कि मैं बाकी वीडियोस अपलोड करने में लगी हुई थी और मैं ये वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाई जल्दी से, इसीलिए वेरी सॉरी इसके लिए। बस इस वीडियो के साथ मेरी दिवाली सीरीज कंप्लीट हो जाती है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि दिवाली से रिलेटेड मेरी जितनी वीडियो थी मैंने उसकी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं और मेरे छोटे से चैनल को आप अपने सहयोग से ग्रो करा दीजिए और मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए आप सब भी। अब आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, हम कल निकले थे शाम को 5 बजे और हम आज पहुंचते हैं अपने घर 4 बजे, तो हमें पूरे 24 घंटे का टाइम हमें यहाँ पर लग जाता है। हम ये इंदौर के बाद का वीडियो है क्योंकि यहाँ पर ना MP के बाद जैसे हमने एंट्री की थी वहाँ पर रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।